नमस्कार दोस्तों, इस स्टूडियो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो वीडियो होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बात करने जा रहा हूँ जमशेदपुर एफसी के बारे में, एटीके के बारे में और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो फिर अगर आप जमशेदपुर एफसी का फैन हो, या फिर आप हो एटीके का फैन, या फिर आप हो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फैन, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। तो फिर सबसे पहले आपको बता दो, जमशेदपुर एफसी आगे जाके आईपीएल में खेलने वाला है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। उसके बाद हम बात करेंगे एटीके के बारे में, एटीके जो एक नए फॉरेन प्लेयर को साइन किया, तो फिर इसी के बारे में भी बात करेंगे डिटेल्स में। उसके बाद आ जाता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अपडेट के ऊपर। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस टाइम पे क्या अपडेट है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को प्लेयर को साइन कर रहा है या फिर नहीं, अगर कर रहा है तो कौन कौन प्लेयर है, अगर नहीं कर रहा है तो कब करेगा, सब कुछ बात करेंगे डिटेल्स में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा। अगर आप आईएसएल का फैन हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर एफसी के बारे में। तो फिर इस टाइम पे अगर देखा जाए जमशेदपुर एफसी काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहा है, जैसे कि जमशेदपुर एफसी अच्छे अच्छे फॉरेन प्लेयर को साइन कर लिया आईएसएल के लिए। अगर आप आईएसएल के जमशेदपुर एफसी की फैन हो, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और देखिए। वही अगर बात करें जमशेदपुर एफसी आगे जाकर जो प्लानिंग कर रहा है आईपीएल में खेलने के लिए, तो फिर इस टाइम पे अगर जो देखा जाए बीसीसीआई ने प्लानिंग किया कि 2019 यानी कि 2020 के जो आईपीएल की मैच होने वाला है उसमें 8 टीम नहीं, पूरी 10 टीम खेलने वाला है। तो दो टीम से आने वाला है नए टीम, और ऐसे में अगर बात करें इससे पहले बीसीसीआई ने 5 ऐसे टीमों को बाहर कर दिया आईएसएल से। तो एक बार जान लेते हैं कौन कौन है इस 5 टीम। तो फिर सबसे पहला जो टीम आ जाता है वो है डेकान चार्जर। 2008 में आया था, 2009 में काफ़ी अच्छा खेल दिखाया और 2009 में विनर भी हुआ। उसी के साथ साथ अगर बात करें 2012 में वो बाहर हो गया फाइनेंशियल रीजन के कारण, ऐसा बताया गया। सेकेंड जो टीम आ जाता है वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है, वो है कोसी टूसर केरला। और कोसी टूसर केरला के बारे में अगर बात करें 2011 में आया था और काफ़ी अच्छा खेल दिखा रहा था, और ऐसे में अगर बात करें कुछ हो गया और बोला गया कि फाइनेंशियल रीजन के कारण हम नहीं खेल पा रहे आईपीएल में, तो आगे जाके हम आईपीएल में नहीं खेलने वाला हो। तो फिर थर्ड जो टीम आ जाता है पुणे वारियर्स, एक बहुत अच्छा टीम है। ऐसे में अगर बात करें 2011 में आया था और 2013 में निकल गया, यानी कि इसका जो रीज़न था वो भी फाइनेंशियल रीज़न बताया गया। कुछ भी रीज़न हो, मुझे लगता है फाइनेंशियल रीज़न ही बताया जाता है। उसके बाद जो टीम आ जाता है गुजरात लायंस, गुजरात लायंस के ऊपर मैं कोई भी रिसर्च नहीं किया, कोई भी अपडेट मुझे नहीं मिला गुजरात लायंस क्यों निकल गया, यानी कि आईपीएल में अभी नहीं खेल रहा है। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें 5 नंबर की टीम जो आ जाता है राइजिंग पुणे सुपर गाइन, एक काफ़ी अच्छा टीम है। तो फिर ये जो आईपीएल में आगे नहीं खेलने का रीज़न था वो था 2 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट था और हो चुका था खत्म। तो फिर यह कमाल की रीज़न मुझे लगा। तो फिर ऐसे में अगर बात करें जो बीसीसीआई ने इस टाइम पे प्लानिंग कर रहा है, ठीक है भाई अभी 8 टीम खेल रहा है और आगे जाकर 2 टीम जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूरी 10 टीम और खेल काफ़ी लंबा से लगेगा, काफ़ी मजा आएगा। तो फिर ऐसे में अगर बात करें जमशेदपुर एफसी के पास इस टाइम पे एक क्रिकेट टीम मौजूद है और बहुत ही अच्छे टीम है। तो फिर अगर जमशेदपुर एफसी चाहे तो फिर जमशेदपुर एफसी के ऊपर अपडेट अगर देखा जाए जमशेदपुर एफसी भी चाहते हैं कि आईपीएल में आगे जाके हम भी खेलेंगे। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि बोल रहा है कि जमशेदपुर एफसी 2020 या फिर 2021 में जमशेदपुर एफसी खेलने वाला है आईपीएल। तो फिर अगर जमशेदपुर एफसी आईपीएल खेले तो काफ़ी मजा आएगा, और जमशेदपुर एफसी अगर खेले तो आईपीएल की हर छोटी छोटी अपडेट में इस चैनल पे देने वाला हो। अगर आप जमशेदपुर एफसी का फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे जाकर जो भी मैं अपडेट दूँ सबसे पहले आप देख पाओगे। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं एटीके के बारे में। इस टाइम पे अगर देखा जाए एटीके ने एक फॉरेन प्लेयर को साइन किया जो कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आगे जाके 2019-20 सीजन 6 में इस प्लेयर को खेलने वाला है, यानी यह प्लेयर खेलने वाला है एटीके में। और यह ऑफिशियली अपडेट आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं, जो एटीके में खेलने वाला है 110% कन्फर्म हो चुका है। और यह जो प्लेयर है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, फॉरेनर प्लेयर है। इससे पहले अगर देखा जाए पहले जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला और बहुत ही बड़े बड़े मैचों में खेला, और ऐसे में अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया U20 U23 और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए भी खेला, बहुत ही अच्छा खेल दिखा सकता है। और आगे जाके 2019-20 सीजन 6 के लिए जो करंट टीम है वो है एटीके, यानी कि आगे जाके देखा जाएगा एटीके में, ये गुड न्यूज़ है। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की, एक गुड न्यूज़ है उसी के साथ साथ है बैड न्यूज़। तो बैड न्यूज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे गुड न्यूज़ के बारे में। तो फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का बैड न्यूज़ ये है, इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में कोई भी फॉरेनर प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। यह है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का एक बहुत बुरी न्यूज़। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की, इस टाइम पे थोड़ी बहुत जो गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है वो है
1 अगस्त 2019 को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हमें दिखाना होगा कि आखिरकार हेड कोच है कौन। तो फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फैन हो तो आप आगे जाकर 1 अगस्त 2019 को यह पता लग जाएगा कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का हेड कोच होगा कौन। तो फिर उसके बाद अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो भी प्लेयर आने वाला है, जो कि फुल प्लेयर लिस्ट होने वाला है, वो आपको मिलने वाला है 20 सितंबर 2019 को। यह भी हो चुका है कन्फर्म, यानी कि कन्फर्म है। आगे जाके आपको 20 सितंबर 2019 को सारे प्लेयर के बारे में आप जान पाओगे, सारे प्लेयर लिस्ट आप देख पाओगे, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो चाहे वो फॉरनर प्लेयर हो। तो फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फैन हो तो आप ये सोचो कि भाई 20 सितंबर को सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं और एक लेटेस्ट फ्रेश वीडियो में।